परिवारजनों, भारत के युवा कैसे संगठित होकर हर लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण मेरी माटी मेरा देश अभियान है। मेरी माटी मेरा देश इस अभियान में गांव गांव गली गली से कोटि कोटि देश के युवा जुड़े हैं। देश भर में लाखों आयोजन हुए, अनगिनत भारतीयों ने अपने हाथों से अपने आंगन अपने खेत की मिट्टी अमृत कलश में डाली है। देश भर से 8,500 अमृत कलश आज यहां पहुंचे हैं। इस अभियान के तहत करोड़ों भारतीयों ने पंच प्रण की प्रतिज्ञा ली है, पंच प्राण की प्रतिज्ञा ली है। करोड़ों भारतीयों ने अपनी सेल्फीज को कैंपेन वेबसाइट पर अपलोड भी किया है। साथियों, कई लोगों के मन में ये सवाल उठ सकता है कि आखिर मिट्टी ही क्यों? मिट्टी से भरे कलश ही क्यों? एक कवि ने कहा है, यह वह मिट्टी जिसके रस से जीवन पलता आया, जिसके बल पर आदिम युग से मानव चलता आया, यह तेरी सभ्यता संस्कृति इस पर ही अवलंबित, युगों युगों के चरण चिन्ह इसकी छाती पर अंकित। बड़ी बड़ी महान सभ्यताएं समाप्त हो गई, लेकिन भारत की मिट्टी वो चेतना है, भारत की मिट्टी में वो प्राण शक्ति है जिसने इस राष्ट्र को अनादिकाल से आज तक बचा कर रखा है। ये वो माटी है जो देश के कोने कोने से आत्मीयता और अध्यात्म हर प्रकार से हमारी आत्मा को जोड़ती है। इस मिट्टी की सौगंध खाकर हमारे वीरों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। कितने ही किस्से इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं। इसी माटी में 100 साल पहले एक छोटा सा बच्चा लकड़ियां बो रहा था, और जब उसके पिता ने पूछा कि क्या बो रहे हो, तो वो बोला कि बंदूकें बो रहा हूं। पिता ने पूछा कि बंदूकों का क्या करोगे, तो उस बालक ने कहा, अपने देश को आजाद कराऊंगा। उसी बालक ने बड़े होकर बलिदान की वो ऊंचाई हासिल की जिसे आज भी छूना मुश्किल है। वो बालक कोई और नहीं, वीर शहीद भगत सिंह थे। इसी माटी के लिए
एक सेनानी ने कहा था, दिल से निकलेगी न मरकर कभी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। किसान हो, वीर जवान हो, किसका खून पसीना इसमें नहीं मिला है। इसी माटी के लिए कहा गया है, चंदन है इस देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम है। माटी स्वरूपा इस चंदन को अपने सिर माथे पर लगाने के लिए हम सब लालायित रहते हैं। हमारे मन मस्तिष्क में 2400 घंटे यही चला करता है, जो माटी का कर्ज चुका दे, जो माटी का कर्ज चुका दे वही जिंदगानी है, जो माटी का कर्ज चुका दे वही जिंदगानी है। इसलिए ये जो अमृत कलश यहां आए हैं, इनके भीतर मिट्टी का हर कण अनमोल है। ये हमारे लिए सुदामा की पोटली में रखे चावलों की तरह है। जैसे पोटली के चावल की उस मुट्ठी में एक लोक की संपत्ति समाहित थी, वैसे ही इन हजारों अमृत कलशों में देश के हर परिवार के सपने, आकांक्षाएं, अनगिनत संकल्प है। देश के हर घर आंगन से जो मिट्टी यहां पहुंची है, वो हमें कर्तव्य भाव की याद दिलाती रहेगी। ये मिट्टी हमें विकसित भारत के अपने संकल्प की सिद्धि के लिए और अधिक परिश्रम के लिए प्रेरित करती रहेगी। संकल्प आज हम लेते हैं, जन जन को जाके जगाएंगे, जन जन को जाके जगाएंगे, सौगंध मुझे इस मिट्टी के, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, हम भारत भव्य बनाएंगे, हम भारत भव्य बनाएंगे। साथियों, इस मिट्टी के साथ साथ देश भर से जो पौधे आए हैं, उनसे मिलकर यहां अमृत वाटिका बनाई जा रही है। इसका शिलान्यास भी अभी यहां हुआ है। यह अमृत वाटिका आने वाली पीढ़ियों को एक भारत श्रेष्ठ भारत की प्रेरणा देगी। बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि नए संसद भवन में जन जननी जन्मभूमि नाम की एक कलाकृति है। इसे देश के कोने कोने से 75 महिला कलाकारों ने देश के हर राज्य की मिट्टी से ही निर्मित किया हुआ है, जो नए संसद भवन में है। ये भी हम सभी के लिए बड़ी प्रेरणा है।